आज हम आए हैं यहाँ जयपुर नमकीन भंडार दरियागंज में। बहुत पुरानी दुकान है ये नमकीन की। इनके पास जो है देखिए ब्रेड पकौड़ा, ये ब्रेड पकौड़ा है, हालांकि मिष्ठान भी होता है। इधर देखिए रसगुल्ला, क्या शानदार रसगुल्ला है। और इधर ये सब्जी, ये चटनी और ये सब्जी आलू की है। ये ब्रेड पकौड़ा आप देख रहे हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा है, पनीर वाला पकौड़ा। इधर ये समोसा दो ब्रेड दे, और ये इनका खस्ता कचौरी, खस्ता कचौरी है। अभी हम लाला जी से बात भी कराएंगे, आपको मिलवाएंगे। अभी देखे हमारे कारीगर साहब इधर लगे हैं, अभी कढ़ाई तैयार हो रही है, माल डालने वाले हैं। अच्छा, लौट आएगा तो फिर बनाएंगे। ठीक ठीक ये देखिए कचौड़ियाँ हैं। कचौड़ी इसमें क्या पिट्ठी वगैरह होती है? दाल की पिट्ठी होती है। और ब्रेड पकौड़ा तो आपका ये पनीर वाला है, आलू बटर पनीर, क्या बात है। अच्छा, कोई विशेष दिन है जी जब रश होता है या? अच्छा, संडे को ज़्यादा है, छुट्टी का दिन होता है या कोई सरकारी छुट्टी पड़ती है उसमें भी ज़्यादा? अच्छा अच्छा, तो मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाती है शॉप? सुबह 7 बजे। अच्छा वाह, क्या बात है। तो भीड़ का सिलसिला खाद्य प्रेमियों का लगा रहता है, ऊपर वाले बहुत आशीर्वाद ऊपर का। तो तकरीबन कितने साल पुरानी दुकान बेटा? 40 साल। तो आप दूसरी पीढ़ी हैं? तीसरी पीढ़ी है। वाह वाह, दादाजी पापा और फिर आप, वेरी गुड। ये देखिए इधर ये तैयारियां हो रही हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने की। हमारे उस्ताद जी ब्रेड पकौड़ा छोड़ रहे हैं बेसन में लपेट के। ये देखिए आप देख रहे हैं कढ़ाई में बराबर ये आता जा रहा है। ये देखिए ये अभी कच्चा है, कच्चा ब्रेड पकौड़ा हुआ है तैयार। बाद में इसको फाइनल करेंगे, फ्राई करेंगे, करारा और क्रिस्पी हो जाएगा ये, और वही स्वाद का इनके तेल है। साथ में आलू की सब्जी होती है। देखिए कढ़ाई में चल रहा है तैयारी, कारीगर लोग लगे हैं और निरंतर ये चलता रहता है सिलसिला, सुबह 7 बजे से और रात को फिर 8:30 बजे तक। ये देखिए दूसरी पोजीशन आ गई है, कलर बदलना शुरू हो गया है ब्रेड पकौड़े का। सिकाई बता रही है कि वो काफ़ी उसको तैयार करती जा रही है। बड़ी कढ़ाई है, भरपूर तेल है इसमें, और इस तरह से ये ब्रेड पकौड़ा फाइनल पोजीशन की तरफ तैयार होता जा रहा है। क्या बात है, बनते हुए ब्रेड पकौड़े की प्रक्रिया को देखना खुद में भी एक आनंद है, अच्छा लगता है। खाद्य पदार्थ जो मन को भाता है तो उसकी तैयारी को देखना और उसको निरंतर बनते हुए देखना अच्छा लगता है। ये देखिए करारे हो चुके हैं, अभी और थोड़ा सिकाई होगी। अच्छा,